तो नाज़रीन, हम यहाँ पर चौक मुंडा में आए हुए हैं और यहाँ की मज़े की बात यह है कि ये सारा इलाका जो है ना, इसको थल कहा जाता है। और ये थल वाली ज़मीन जो है ना, ये रेतली है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फसलें भी बहुत अच्छी हुई हुई हैं। और यहाँ पर नहरी इंतज़ाम तो नहीं है पानी का, लेकिन ये ट्यूबवेल पर करते हैं। ये घर है मेरे भाई का, यहाँ पर आज शादी है और इस शादी के लिए टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको उनकी ज़मीनें दिखाता हूँ। ये देखें ज़मीनें कितनी हरी भरी, और ये फसल, और ये बाजरे की फसल है, बाजरा जो है इन्होंने लगाया हुआ है। और ये काफ़ी सारी ज़मीनें इनकी, दूर तक आप देख सकते हैं ये सारी ज़मीनें इनकी हैं। और ये कितने हरे भरे दरख्त, और ये कुछ ज़मीनें ये खाली भी पड़ी हैं अभी। इसमें अभी ये गाजरों की बिजाई करेंगे, और इस तरह से और भी सब्जियां मैं आगे चलकर भी आपको दिखाऊंगा। कुछ सब्जियां लगाई भी गई हैं। तो फ़िलहाल आपको मैं ये जगह दिखा रहा हूँ कि ये कितनी प्यारी और बेहतरीन जगह है। और ये हम सोचते रहते हैं कि थल जो है ये रेतला इलाका है, और ये बिल्कुल, ये कभी किसी ज़माने में बिल्कुल सहरा हुआ करता था। यहाँ पर पानी भी नहीं मिलता था, कड़वा पानी था। लेकिन आजकल यहाँ पर ट्यूबवेल चल चल के यहाँ पर पानी सारा जो है ना मीठा हो गया है। पीने में भी बहुत अच्छा है और ये फसलों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम इसके बाद मैं आपको रात को, फिर आज हमारी भांजी की शादी है, बल्कि आज मेहंदी है और कल उसके बारात आएगी, तो मेहंदी की रस्म भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया देखने वालों को।